centuries club. Wow. Sir, Sachin is the best. Sachin is God, Varun, Sachin is God. For some at least. Mr. Sir, Pathak. I'm 100% sure India jitegi aaj. Vaibhav. Vaibhav Sharma. और आप हैं मिस नलिनी शंकर, यहाँ की ओनर। बहुत नाम सुना था आपका और आज आपसे मिलना भी हो गया। We are so lucky जो आज आप यहाँ पे आए। Thank you। नलिनी जी कल एक जेम स्टोर की ओपनिंग करने जा रही हैं। और उसी खुशी में इस कैफे में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। और हम सब की आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पार्टी में आएंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। देखिए मैं वादा तो नहीं कर सकता, I'll try. Oh no, Sachin out. अब तीन बॉल में 16 रन कैसे बनेंगे यार? अब तो 100% हम हार जाएंगे। सर, मैच गया हाथ से। नो, नॉट येट। इंडियन टीम का एस्ट्रोलॉजिकल नंबर है 8 और 8 नंबर शनि का नंबर है और आज 8 में है और ये जो बैट्समैन बैटिंग के लिए आ रहा है ये भी 8th प्लेसिंग का बैट्समैन है। जस्ट वेट, अभी फैसला किए देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तकदीर का। आज इंडियन क्रिकेट टीम को कोई नहीं हरा सकता। Really? How is it possible? खुद ही देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? अभी थोड़ी देर में फैसला आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। सही कहा था आपने। आपको कैसे क्या कैलकुलेशन किया? I'm sorry, मैंने आपको बताया नहीं, I am an astrologer. ज्योतिषी हूँ। ओ ऐसी? आपको मेरे हुनर पे कोई शक तो नहीं है ना? इसके बाद तो कोई शक नहीं था। मिस्टर पाठक, मैं आपको एक पर्सनल रीजन के लिए भी इस पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। एक्चुअली कल की पार्टी में मेरी वाइफ भी आने वाली है और मुझे मेरी वाइफ से कुछ सिवियर प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए वैभव जी, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, इस प्रकार के घरेलू केसेस नहीं लेता। यू विल हैव टू एक्सक्यूज। नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड मिस्टर पाठक, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर मेरी वाइफ से मिल लें और तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। वील सी, आई विल बी ग्लैड टू हैव यू देयर सर। थैंक यू। तुमने मेरे साथ चीटिंग की? तुम जानते थे कि बिना कुंडली देखे मैं किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाती, इसीलिए तुमने रत्नाकर की झूठी कुंडली बनाकर उसे मेरे जेम स्टोर का पार्टनर बना दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीटिंग करने की? देखिए, जो कुछ किया आपके भले के लिए किया और मुझे यह भी पता है आपको मेरे खिलाफ जो शख्स भड़का रहा है उसे अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों बर्बाद करने पे तुली हो मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूं, मैं भला आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? और क्या हुआ है आपको? ये मत पूछो कि हुआ क्या है, ये बताओ कि तुमने नलिनी से क्या कहा? क्यों कर रही हो ये सब? क्या कर रही हूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। और नलिनी से मैं कितने दिनों से मिली तक नहीं हूं। और आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप मुझे क्यों डराते हैं? हर बार दोषी मैं ही क्यों बन जाती हूँ? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी राहू की दशा हो। तुम्हारे अलावा और कोई रुकावट नहीं है मेरी लाइफ में। तंग आ गया हूं तुम्हारे इन लफड़ों और इन नौटंकियों से। लगता है अब मुझे तुमसे अलग होने के लिए कोई लीगल रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं अगर अवनी ने नलिनी को कुछ नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है? आई नो रत्नाकर जी व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। बस आज शाम की पार्टी शांति से निपट जाने दीजिए। बाकी एक बात तो तय है, नलिनी आपको अपना पार्टनर नहीं बनाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब किसी ने नलिनी को जाकर यह बता दिया कि मैंने तुम्हारी नकली कुंडली बनाकर उसको दी है, तो उसमें क्या मेरी गलती है? और यह सब सच्चाई जानने के बाद अब नलिनी
तुमसे और मुझसे दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। देखो जेम स्टोर की पार्टनरशिप के लिए तुमने जो कहा जब कहा मैंने किया ना। हाँ वो सब ठीक है रत्नाकर जी, मैं कहा कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आज शाम की पार्टी तक तो चुप बैठने में ही भलाई है। ठीक है, सिर्फ आज शाम के लिए मैं चुप बैठ सकता हूँ, उसके बाद ऑलराइट, जस्ट डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। वेलकम मिस्टर पाठक, आइए आइए, हमें पूरा विश्वास था कि आप इस पार्टी में जरूर आएंगे, और हमारे इस विश्वास को बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना है। रत्नाकर जी, आप हैं मिस्टर पाठक, और मिस्टर रत्नाकर नलिनी जी के बिजनेस मैनेजर। कम ऑन, आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी, एक आविष्कार, एक अद्भुत सॉफ्टवेयर जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपकी पूरी कुंडली, भूत वर्तमान और भविष्य सब सामने आ जाता है। साथ ही आपकी कुंडली के चार्ट के स्कैन होने पर यह कंप्यूटर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी बता सकता है। ये रघु है मेरे असिस्टेंट, और इस स्टोर के टेक्निकल मैनेजर भी, और नलिनी जी से तो आप मिले चुके हैं। व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट, प्लीज ट्राई। वरुण प्लीज, प्लीज फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स, आई मीन योर प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नेम। एक बार आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में फिल कर दी तो ये कंप्यूटर हमेशा उसे याद रखेगा, और आपको समय समय पर यह बताता रहेगा कि आपको कब कौन सा जेम पहनना है। साथ ही हमारे जेम स्टोर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इसी तरह से समय समय पर हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प करते रहेंगे। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इस वक्त आपको एमरल्ड यानी पन्ना पहनना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, दिस इज माई वाइफ अवनी शर्मा। एंड अवनी, मिस्टर पाठक इस शहर के सबसे फेमस लॉयर। लॉयर? तो तुम तय कर चुके हो कि तुम मुझे डिवोर्स देके रहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डराने के लिए धमकियां दे रहे हो, पर नहीं, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। अवनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नहीं। बात समझने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रही हो। अवनी प्लीज मुझे देखो, तुम लॉयर से मिल रहे हो, मुझे तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। नहीं मेरी बात सुनो, तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। क्या सुनो, क्या सुनो, यू आर अ चीटर, चीटर हो तुम, के पास तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, नफरत करती हूं तुमसे। अवनी शांत हो जाओ, लोग देख रहे हैं। शांत हो जाओ, क्यों शांत हो जाओ, असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी, लाश देखूंगी तुम्हारी। मिस्टर पाठक, अब तो आपने ये सारा माजरा अपनी खुद की आंखों से देखा ना कि क्यों मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता था। क्योंकि मेरी खुद की कुंडली कहती है कि मेरी मौत मेरी बीवी के हाथों होगी। आइए आइए अवनी जी, बैठिए। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। आई एम सो सॉरी मिस्टर पाठक, मैंने आपके साथ कल बहुत बदतमीजी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूं। अगर मैं पागल नहीं होती तो आपके साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती, इतना मिसबिहेव क्यों करती? क्या कह रही हैं आप, कब किया आपने मेरे साथ बुरा बर्ताव, किसने कहा आपसे? वैभव ने, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्या, तो वैभव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये सब कुछ मेरे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, डर लगता है कि कहीं मैं कुछ करना बैठूं। देखिए कुछ नहीं होगा, बस अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराइए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा इलाज संभव नहीं है,
इस डिप्रेशन की वजह वैभव है, उसकी प्रेडिक्शन है। उसका मानना है कि मैं उसे मार डालूंगी। आप ही बताइए कि मैं अपने पति को क्यों मारूंगी। सर, ये तो वैभव शर्मा की पत्नी थी ना, इसका पीछा कर देख कहां जा रही है। राइट सर। तेरी छानबीन से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहां दो तरफा आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ वैभव अवनी को पागल करार देने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अवनी भी संदेहजनक काम कर रही है। एक काम कर, वैभव को फोन लगा, मीटिंग करवा। ओके सर। केस लूं उससे पहले आपसे कुछ जानना चाहूंगा। उस दिन जब आप मेरे ऑफिस आई थी, वहां से आप अपने घर गई, आपने अपने लेटर बॉक्स में कुछ रखा था, क्या रखा था? जी, उसमें 10 लाख रुपए थे, वैभव को दिए थे किसी ने, और मुझे वो पैसे अपने भाई के रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए भेजने थे। अगर वैभव से मांग के लेती तो वो कभी वो मुझे पैसे अपने भाई तक ना पहुंचाने देता। उसके बाद आप संजीव नाम के किसी आदमी से मिली थी, कौन है? संजीव को मैं काफी समय से जानती हूँ। मैं वैभव से चोरी छुपे संजीव के जरिए ही अपने भाई को पैसे पहुंचाती थी। उस दिन भी पैसे मैंने लेटर बॉक्स पे रखे, और लेटर बॉक्स की चाबी और एक नोट घर के बाहर गमले के नीचे रख दिए। संजीव वहीं से चाबी निकालकर पैसे मेरे भाई तक पहुंचाता था। योर ऑनर, ये खून कोई सोची समझी हुई साजिश तो नहीं है, लेकिन एक खतरनाक बीमारी का भयानक नतीजा जरूर है, और इस बीमारी से मिसेज अवनी शर्मा पिछले कई सालों से जूझ रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। एक कॉमन सी बीमारी है योर ऑनर, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही अनकॉमन होते हैं, बहुत ही डेंजरस। कमाल की बात है, अक्सर ऐसा होता है योर ऑनर के जो इंसान इस बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से, वो खुद अपने आप को मार देता है, लेकिन कभी कभी अपने आप को न मारते हुए वो उस इंसान को मार देता है जिसकी वजह से उसे ये डिप्रेशन की बीमारी हुई है। और मिसेज अवनी शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, दूसरा रास्ता अपनाया और अपने पति का कत्ल कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा, मैं तो उनके कमरे में गई भी नहीं थी। ये सब लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैंने कह दिया ना कि मैंने अपने पति को नहीं मारा तो नहीं मारा।
आप लोग जबरदस्ती मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मुझे क्यों दोषी बनाया जा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर, मुलजिमा से शांति की अपील की जाती है। अच्छा, लेकिन इस तरह किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तो वो शांत रहेगा? मैं जानती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अपनी जी, प्लीज शांत हो जाइए। आपके इस व्यवहार से आप अपने आप को दुविधा में डाल देंगी। प्लीज प्लीज आइए, प्लीज। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, मिसेज अवनी शर्मा के स्वरूप को, इस टेंपर को आपके साथ साथ यहाँ पे अदालत में मौजूद सभी ने देखा। कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा इन्होंने जब इन्होंने अपने पति का नहीं, खून करने से कुछ क्षण पहले कुछ ऐसा महसूस किया होगा शायद इन्होंने। और योर ऑनर, एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा, उनको कौन नहीं जानता, उनके प्रेडिक्शंस को कौन नहीं मानता। सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा के प्रेडिक्शंस कभी गलत आज तक साबित नहीं हुए, और उन्होंने खुद अपने लिए भविष्यवाणी की थी कि मेरा खून मेरी पत्नी के हाथों ही होगा, और वैसा ही। योर ऑनर, बड़ी हास्यमय बात कर रहे हैं जायसवाल साहब। केवल वैभव जी की भविष्यवाणी के आधार पर ये मेरे मुवक्किल को हत्यारिन प्रमाणित करना चाहते हैं। और कोई साक्ष्य, कोई सबूत है आपके पास, या बस यूं ही? इन्हें गुनेगार साबित करने के लिए मेरे पास कई सबूत है पाठक साहब। उनमें से एक तो मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। योर ऑनर, ये वैभव शर्मा की डेड बॉडी के पास से ये शोपीस पाया गया है, और फॉरेंसिक जांच के हिसाब से इस शोपीस पर वैभव शर्मा के ब्लड पार्टिकल्स भी पाए गए। और इससे साफ जाहिर होता है कि वैभव शर्मा का खून इस औरत वाली शोपी से ही किया गया है। और जांच करने से और एक बात पता चली है योर ऑनर, कि इस शोपीस पर जिसके उंगलियों के निशान है वो और कोई नहीं, अवनी शर्मा ही है। अब भी कोई शक की गुंजाइश है आपको पाठक साहब? योर ऑनर, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि वैभव शर्मा का खून मिसेज अवनी शर्मा ने डिप्रेशन की हालत में किया, और जब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जो उन्होंने खून किया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर। और एक बात योर ऑनर, सबसे पहले मिसेज अवनी शर्मा को बेहोशी की हालत में जिस व्यक्ति ने देखा, अब मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, मिस्टर केडी पाठक ही। एक ही सवाल पूछूंगा, आपने पुलिस को जो बयान दिया है पाठक साहब, क्या वो सही है? जी, सत्य है। सत्य है तो लग गया, तो और एक सवाल पूछ ही लूं। पूछिए। अवनी शर्मा को आपने वैभव शर्मा के मृत शरीर के पास बेहोश हालत में पाया, क्या ये भी सच है? जी, ये भी सत्य है। थैंक यू। वापस आ सकते हैं मेरे साथ? जी नहीं, नहीं जाऊंगा। हाँ, आपके प्रश्न भले ही शेष हो गए हो, आपके साक्षी से प्रतिपक्ष प्रश्न करना चाहेगा। वो डिप्रेशन और आप स्ट्रेस, लगता है आपकी मानसिक स्थिति भी जसवाल साहब, आप मेरी मानसिक स्थिति की चिंता ना करें तो बेहतर होगा, आपके लिए बौखला जाएंगे। योर ऑनर, अभियोग पक्ष मुझे प्रत्युत्तर के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मैं यहां इस समय अभियोग पक्ष के साक्षी के रूप में खड़ा हूं, पर मैं अवनी जी का वकील भी हूं। प्रतिपक्ष अभियोग पक्ष के साक्षी से प्रश्न करने की अनुमति चाहता है। अनुमति है। पहला प्रश्न योर ऑनर, कि अंततः क्यों केडी पाठक
वैभव शर्मा जी के घर गए थे। पुत्र, कुछ समय से मुझे लग रहा था कि वैभव शर्मा और अवनी शर्मा के बीच के रिश्ते में तनाव बना हुआ है। दोनों एक दूसरे पर मानसिक बोझ बन रहे हैं। वैभव शर्मा जी अवनी जी को पागल करार देना चाह रहे हैं। भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु उनकी पत्नी के हाथों होगी। संभवतः यही कारण था योर ऑनर, अवनी जी के मानसिक ग्लानी का, इनके डिप्रेशन का, इनके अपने पति से भयभीत होने का। इस रिश्ते में अंततः क्या घटा, इस बारीकी को समझने के लिए मैं वैभव शर्मा जी के घर गया था। दूसरा प्रश्न योर ऑनर, जब केडी पाठक वैभव शर्मा जी के घर पहुंचे, सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? उत्तर योर ऑनर, सर्वप्रथम मैंने किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। जब मैं वैभव शर्मा जी के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने अंदर लैंडलाइन फोन को बजते हुए सुना। मैंने घर के अंदर प्रवेश किया, जैसे ही वैभव शर्मा जी का मृत शरीर देखा, पुलिस को सूचित करने के लिए मैंने उस फोन का प्रयोग करना चाहा योर ऑनर, फिर पाया कि उस फोन का तार काट दिया गया था, जिसका अर्थ मेरे दोस्त ये होता है कि हत्यारा पूरे समय उस कमरे में उपस्थित था, मेरी उपस्थिति में उसने टेलीफोन का तार काटा। किंतु योर ऑनर, खोजने पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। बहुत ही विचित्र बात है योर ऑनर, विचित्र बात भी है और ऑब्जेक्शनेबल भी। केडी पाठक, जो गवाह केडी पाठक यहाँ पे कटघरे में खड़े हैं, वो वकील केडी पाठक का रूप लेके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं। आप अपने इस डबल रोल में मुझे कंफ्यूज नहीं कर पाए केडी पाठक साहब, क्योंकि आपकी मुवक्किल को गुनहगार साबित करने के मेरे पास और भी सबूत है योर ऑनर। मैं जेम स्टोर की मालकिन मिसेस नलिनी शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, अगर आप जगह खाली करें तो। उस दिन जब पार्टी में वैभव ने केडी पाठक को अवनी से मिलवाया और ये कहा कि ये बहुत बड़े लॉयर हैं, तो इसी बात पे अवनी बहुत भड़क गई और उसने बहुत हंगामा किया। असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी, तुम्हारी। बल्कि योर ऑनर, सिर्फ देखी ही नहीं वैभव की लाश, लेकिन मिसेज अवनी शर्मा ने खुद वैभव को एक लाश में बदल दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभियोग पक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग करके अदालत की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जरा आप सरकेंगे तुम्हें। आपको कौन रोक सकता है? हाँ नलिनी जी, वैभव जी ये काम करते थे आपके लिए। जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो एक मैगजीन के लिए हॉरोस्कोप का कॉलम भी लिखते थे। राइट। अद्भुत बात तो ये है कि केवल उनकी ज्योतिष सलाह के लिए आप उन्हें प्रति माह 10 लाख रुपए चुकाती थी। इतने से काम के लिए कोई भला इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? हाँ यही तो सोच रहा था मैं, क्यों देगा। इनफैक्ट मुझे तो पार्टी के एक दिन पहले ही पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। किस प्रकार का धोखा दे रहे थे वो आप? मैं अपना सारा काम हॉरोस्कोप देखकर ही करती हूँ और इसीलिए मैंने वैभव को अपने साथ रखा था, लेकिन वैभव ने रत्नाकर की नकली कुंडली बनाकर मुझे उसके साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी कि वैभव ने रत्नाकर की गलत कुंडली मुझे दिखाई है, और इसी बात को लेकर मैं उससे बहुत नाराज थी। फिर इस नाराजगी के चलते आपने क्या अगला कदम उठाया, क्या किया आपने? मैंने उसको अपनी पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया, सिंपल। योर ऑनर, मैं रत्नाकर जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अभी नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि आपने वैभव जी से गलत कुंडली बनवाकर भागीदारी की उनके व्यवसाय में, सच है ये बात? जी हाँ सच है। क्या क्या व्यक्तिगत लाभ था वैभव जी का ऐसा करने में? सिंपल सी बात है, सिर्फ पैसों के लिए। मैंने उस काम के लिए वैभव को 10 लाख रुपए दिए थे।
आपने झूठी कुंडली बनवाकर झूठ बोलकर किसी के व्यवसाय में भागीदारी की और इसका आपके मन में कोई मलाल नहीं। मलाल किस बात का है इसमें? इट्स अ बिजनेस। उसने मेरे लिए काम किया, उसके बदले में मैंने उसको पे किया, सिंपल। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं दी मैंने उसको। आई अग्री विद यू रत्नाकर, नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। और जिस कार्य के लिए आपने ये रकम दिया था, जब वो कार्य असफल हुआ तो स्पष्ट है कि आपको क्रोध आया होगा और उसी क्रोध में आप वैभव जी के घर पहुंचे। आपने उनसे वो रकम लौटाने को कहा, वैभव जी ने मना किया। उस क्रोध के आवेश में आकर आपने वैभव जी की हत्या की। उनके घर से निकलने के समय आपके पांव से फूलदान को ठोकर लगी। फूलदान के नीचे आपको चिट्ठी और एक चाबी मिली, जिस चाबी से आपने अवनी शर्मा जी का लेटर बॉक्स खोला, 10 लाख रुपए उसमें से निकाले और फरार हो गए। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, यही सच है। अरे पाठक साहब, चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बार बार कहने से असत्य सत्य में बदल नहीं जाता, ऐसा ही कुछ आपने मुझे कभी कहा था। ये जो आपका तरीका है ना, गोल गोल घुमा के गुमराह करना गवाह को और सच उगलवा देना, ये स्टाइल पुराना हो गया। आपकी इस बात को साबित करने के लिए आपको सबूतों की भी आवश्यकता होगी और आप जैसे काबिल वकील को ये समझाना जरूरी नहीं समझता मैं। अब आप बताइए कि क्या आपके पास कोई सबूत है? आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूँ। है कोई सबूत? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं है, कोई सबूत नहीं है योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि रत्नाकर जी उस रात वैभव शर्मा के घर गए थे। लेकिन मेरे पास सबूत है, आपके मौकिल को गुनहगार साबित करने के कई सबूत है मेरे पास। और आप एक मिनट, जिस चाबी, जिस लेटर बॉक्स, जिस जिस नोट की बात कर रहे हैं ना, वो चाबी रत्नाकर जी ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस चाबी का सिर्फ अवनी जी को और संजीव को पता था। That's it. Your Honor, संजीव जी। जी मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ना तो वहां पे कोई नोट मिला, ना ही कोई चाबी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपको नोट चाबी कुछ नहीं मिला तो आपने मिसेज अवनी शर्मा को कांटेक्ट तो किया होगा? जी नहीं, मुझे अवनी जी ने कहा था मुझे अगर वहां गमले के नीचे कोई नोट ना मिले तो मैं चला जाऊं, और मैं जब वहां गया तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैं वापिस आ गया वहां से। योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मिसेज अवनी शर्मा का पार्टनर इन क्राइम है। दरअसल हुआ ये था कि उनको नोट मिली थी और वहां से ये नोट लेके गायब हो गए, ताकि सारा शक रत्नाकर जी पर जाए। और ये सब झूठ है, मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ना ही उन पैसों के बारे में, ना ही इस कत्ल के बारे में कुछ जानती हूँ। मैंने तो अपने भाई तक पैसे पहुंचाने के लिए वहां पैसे रखे थे, और लेटर बॉक्स की चाबी और साथ में चिट बाहर गमले के नीचे, पर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वहां से पैसे कहां गायब हो गए। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाय सर। सर एक काम की न्यूज है, पुलिस को वैभव की टेबल से कुछ कुंडलियां मिली जिन्हें वो उस रात स्टडी कर रहा था, ये रही उसकी जेरोक्स कॉपीज। वरुण, किसी भी कुंडली पर व्यक्ति का नाम नहीं है, कैसे पता चलेगा किसकी कुंडली है? उस पार्टी के दिन वैभव कह रहा था कि पार्टी में उपस्थित हर अतिथि की कुंडली उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज है। जी हाँ, इस कंप्यूटर में सबकी कुंडलियां हैं और सबके डिटेल्स। अच्छा, तो क्या आप
चेक करके बता सकते हैं कि किनकी कुंडलियां हैं? जी बिल्कुल। ये कुंडली मिस्टर केडी पाठक की है। ओके। ये नलिनी मैडम की कुंडली है। ये कुंडली रत्नाकर की है। ये कुंडली किसकी है ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। दरअसल इसके डिटेल्स हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड है। क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में? कुछ भी? हाँ बता सकते हैं, मतलब जैसे कि जिसकी भी ये कुंडली है उसका नाम शायद वी से शुरू होना चाहिए। वी। नलिनी जी मेरे उलझन का निवारण कीजिए। ये जो बताइए कि रत्नाकर की झूठी कुंडली मिलने के बाद जब आपका वैभव शर्मा के साथ कोई सरोकार ही नहीं रहा तो फिर उस रात आप उसके घर क्यों गई थी? नहीं मैं उससे मिलने नहीं गई थी, पर हाँ मैंने उससे फोन जरूर किया था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गई थी। मैं तो इसी बात से बहुत खुश थी कि वो रात भर बैठकर मेरी कुंडली देखता रहेगा, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। पेचीदगी है आपकी बातों में, ये क्या तात्पर्य है आपके कहने का, इस बात का कि आप मिलने नहीं जाएंगी उन्हें, वो रात भर बैठ के आपकी कुंडली पढ़ता रहेगा, क्या? ये उसकी आदत थी, जो भी उससे मिलने आने वाला होता था उससे पहले वो उसकी कुंडली देखता था। और उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करता था। कर रहा था। योर ऑनर, यानी कि मर चुके हैं ये तो साबित हो चुका है, और जो इंसान मर चुका है उसकी हॉबीज के बारे में जानकारी हासिल करके पाठक साहब अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों, क्या क्या हासिल होगा ये जानकारी हासिल करके पाठक साहब? आखिर नलिनी जी का वैभव की मृत्यु के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, नलिनी जी का वैभव जी की मृत्यु के साथ रिश्ता हो न हो, उस चौथे व्यक्ति का इस हत्या के साथ रिश्ता अवश्य है। उस रात को वैभव शर्मा की मेज पर चार कुंडलियां थी, एक मेरी, एक नलिनी जी की, रत्नाकर जी की, और चौथी कुंडली किसी गुमनाम व्यक्ति की। उस गुमनाम व्यक्ति को मैं कटघरे में बुलाऊं उससे पहले रत्नाकर जी को बुला के उनसे जरा बातचीत करने की अनुमति चाहता हूं। रत्नाकर जी, नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि वैभव शर्मा जी जब व्यावसायिक रूप से किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते तो उस व्यक्ति की कुंडली निकाल कर पढ़ लिया करते थे। उस रात उनके मेज पर चार कुंडलियां थी जिनमें से एक आपकी थी रत्नाकर जी। जी हाँ, मैं उस रात उसके पास जाने तो वाला था लेकिन नहीं जा पाया। अच्छा, आप भी जाने वाले थे किंतु गए नहीं। पिछली सुनवाई में अभियोग पक्ष महोदय बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सबूत मांग रहे थे। सबूत ये है कि जिस गाड़ी को मैंने वहां से जाते हुए देखा था वो आप ही की गाड़ी है। कृपया कर बताइए, मुझे समझाइए कि अगर आप वहां गए ही नहीं तो आपकी गाड़ी वहां क्या कर रही थी? देखिए, मैं वैभव से मिलने गया था लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वैभव की डेड बॉडी वहां पड़ी है। ऐसे में मैं घबरा गया, मुझे लगा कि शायद इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, इसलिए मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। फूलदान के पास आपको फिर वो चिट्ठी और चाबी भी मिली थी और उस चाबी से आपने 10 लाख रुपए लेटर बॉक्स से निकाले थे। सबूत है इसका मेरे पास, उस लेटर बॉक्स पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। जी हाँ, मैंने वो पैसे लेटर बॉक्स से निकाले थे, वो मेरे पैसे थे, मैंने ले लिए तो क्या गलती की बताइए आप? क्या 10 लाख रुपयों के लिए किसी की हत्या करना गलत नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मैंने वैभव को नहीं मारा। देखिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, ये भी मानने को तैयार हूं कि मैंने यहां बात बात पर झूठ बोला है, लेकिन यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मैंने वैभव का खून किया। देखिए रत्नाकर जी,
वैभव शर्मा की हत्या करने का कारण तो था आपके पास, था या नहीं? वैभव की हत्या करके मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो अपने पैसे चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। मैंने वैभव का खून नहीं किया। रत्नाकर जी, एक बात तो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हत्या होने के बाद आपको वो रुपए वहां से मिले, सही है ये? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में ये बात कई बार कही जा चुकी है, वैभव शर्मा जी की विशेष आदत, जिस व्यक्ति से उनका व्यवसायिक संपर्क होने वाला होता था उस व्यक्ति की कुंडली निकालकर वो मेज पर रखकर पढ़ते थे। योर ऑनर, अदालत में ये बात भी कही जा चुकी है कि उस रात वैभव शर्मा जी की मेज पर चार कुंडलियां रखी थी, एक मेरी, दूसरी नलिनी जी की, तीसरी रत्नाकर जी की और चौथी किसी गुमनाम व्यक्ति की। अब वैभव शर्मा जी तो रहे नहीं कि हमें बताएं कि वो चौथी कुंडली किसकी थी। मैं उनके सहायक रघु को कटघरे में बुलाकर ये इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा। रघु जी, वो जब मेरे सहायक वरुण आपके स्टोर पर, आपके स्टोर के कंप्यूटर पर ये चार कुंडलियां मैच करवा रहे थे तो तीन कुंडलियों की तो जानकारी मिल गई थी, मेरी, नलिनी जी की और रत्नाकर जी की, चौथी जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। दरअसल तीन कुंडलियों का रिकॉर्ड हमारे पास था, चौथे का नहीं था। चौथे का रिकॉर्ड आपके पास नहीं था, किंतु उसी कुंडली को नलिनी जी के कंप्यूटर पर जब हमने मैच करवाया तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है हमें। जन्म दिनांक 9/12/1973, जन्म स्थान लखनऊ, जन्म का समय 2:35। क्या कहा था आपने मेरे सहायक वरुण से कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसका नाम व से शुरू होना चाहिए? जी। तो ये सब जानकारी पाकर अब क्या विचार उठ रहा है आपके मन में, किसकी हो सकती है कुंडली, कौन हो सकता है वो व्यक्ति जिसका नाम व से शुरू होता है? बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारी जानकारी आपकी है। आप 9/12/1973 को पैदा हुए थे लखनऊ में 2:35 पर, मिस्टर विजय रघु प्रसाद। जी, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं वैभव से मिलने गया था, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, इसके बाद मैं अपने घर आ गया। सुबह मुझे पता चला कि उसकी पत्नी अवनी ने वैभव का खून कर दिया है। क्योंकि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। आपने कहा कि आप वैभव जी से मिलकर अपने घर लौट गए थे, जिस समय आप लौटे उस समय वैभव जी जीवित थे। माननी पड़ेगी आपकी बात मुझे रघु जी, क्योंकि और कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास। अब फिर से प्रोसिक्यूटर महोदय गला फाड़ फाड़ कर सबूत की मांग करेंगे। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, बस एक छोटी सी समस्या है, अगर आप उसका निवारण कर दें तो आपका बहुत आभार मानूंगा। ये कमीज जिस पर यहां देख रहे हैं आप, किसी के लहू का अवशेष है, और इसकी फोरेंसिक्स ने जांच की तो पता लगा कि ये वैभव शर्मा जी का लहू है। ये कमीज जो है ये मेरे सहायक वरुण ने आपके घर से प्राप्त की, आपकी कमीज है, आपका लॉन्ड्री वाला भी यही कहता है। हाँ, मैंने मारा वैभव। सब कुछ मैंने किया, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, और वैभव का असिस्टेंट होने की वजह से सारा क्रेडिट ले जाता था वैभव। मुझे लगा कि जब तक ये वैभव जिंदा रहेगा मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने वैभव को गलत साबित करने की सोची। मैंने नलिनी मैडम को बताया कि किस तरह से वैभव ने
रत्नाकर की गलत कुंडली बनाई और उसे मैडम की कुंडली से मैच कराकर उनका बिजनेस पार्टनर बना दिया। लेकिन मैंने देखा कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मेरा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। और अगर वैभव जिंदा रहता तो मैं पूरी जिंदगी वैभव का असिस्टेंट ही बनकर रहता। इसलिए मैंने वैभव को मारने के लिए सोचा। मैं वैभव के घर गया, लेकिन वैभव को पहले ही पता चल चुका था कि मैंने नलिनी मैडम को ये बात बताई है। वो मुझे धमकी देने लगा, नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देने लगा। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में और वो वहीं पर मर गया। वैभव ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को प्रेडिक्ट किया था और उसकी पत्नी की बीमारी के बारे में मैं जानता था। वो उस समय दवा खाकर दूसरे कमरे में सो रही। मैंने उसको वहां से उठाया और वैभव की लाश के पास लिटा दिया। और उसकी उंगलियों के निशान मैंने ही इस मूर्ति पर लगाए और फिर मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तब तक रत्नाकर वहां गया। रत्नाकर के जाने के बाद मैं निकलना ही चाहता था, तब तक फोन की घंटी बजने लगी और दरवाजे पर आहट। मैंने फोन का तार काट दिया। इसके बाद मैंने देखा कि केडी पाठक अंदर आए और फिर मौका पाते ही मैं भाग निकला। सॉफ्टवेयर से निकलकर बहुत हार्डवेयर में जाना पड़ेगा आपको, कारागार में रखो जी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अवनी शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और वैभव शर्मा के कत्ल के जुर्म में रघु प्रसाद पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। जी जयसवाल साहब। आप हर बार हर केस जीत क्यों जाते हैं बताएं आपको? नहीं बताइए। क्योंकि आपका जो बृहस्पति है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो वैभव शर्मा ने जो आपकी कुंडली बनाई थी, प्रेडिक्शंस जो आपके बारे में किए थे वो मैंने देखे। ओह ऐसे। अब वैभव जी ने आपकी कुंडली तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जयसवाल साहब के समय आपके शनि और मंगल दोनों आप पर भारी चल रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.